महिला पर्यवेक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो है, जो कि अंतिम शेष दिन अंतिम समय में करंट अफेयर की क्लास, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो में जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हाल ही एग्जाम में पूछा गया है आपके व्यापम में, पीएससी में। तो इस क्वेश्चन को आप रिविजन करके जाइएगा। कुछ क्वेश्चन हम अभी प्यून भर्ती में देखे थे, उसी प्रकार आपका अभी पीएससी एग्जाम में हुआ है, उसी प्रकार लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी प्रकार बीएड डीएड वाले में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर की। तो उन सभी को संग्रहित कर और साथ ही जो क्वेश्चन हम टॉपिक बना के लाए हैं, तो एग्जाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संभावनाएं हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं महिला पर्यवेक्षक की, जो बिल्कुल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंतिम तक देख कर जाइएगा। साथ ही पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें करंट अफेयर की बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपकी विगत वर्षों में, हाल ही में अभी 2023 के एग्जाम में बार बार ऐसे ही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो लोग महिला पर्यवेक्षक खास तौर पर तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए यह वीडियो है। तो एक दिन बचा हुआ है आपके पास, बिल्कुल इस वीडियो को रिवीजन करके जाइएगा, स्किप नहीं करना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। ये वीडियो सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर रिवीजन करना चाहते हैं, तो करंट अफेयर के यह क्वेश्चन आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास करंट अफेयर का। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2023 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो महिला परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार रिवीजन करके अवश्य जाएं। हौसला बढ़ाने के काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप पीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का। कमेंट करने स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिया गया है, सभी का आंसर मैं आपको बताऊँगा। 30-30 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपको कमेंट करके बताना है, आपको प्रैक्टिस करके जाना है। तो हाल ही में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2023 में, वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ में मनरेगा में महिला श्रमिक को रोजगार देने में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है, एग्जाम में पूछा गया है 2023 में। तो यहाँ पर देखिएगा, छत्तीसगढ़ में पूछा गया है, तो मनरेगा महिला श्रमिक के लिए दिया गया है ना, तो दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव या कबीरधाम, कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। सभी के सभी आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा, जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं या फिर जो महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सकेगा। तो देखिए इसका आंसर कितने लोगों का आ रहा है, रमेश बताइएगा यहाँ पर। बिल्कुल सरिता का आंसर आ चुका है ए, नमिता का आंसर ए, दुर्गा का आंसर ए, बिल्कुल सही जवाब राहुल का आंसर ए, गीतांजलि का आंसर ए, बिल्कुल सही है, मतलब तैयारी अच्छे से पकड़ कर रख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर शो करते हैं। इसका आंसर दुर्ग, बिल्कुल सही जवाब। सेकंड का देखते हैं कि एजुकेशन वर्ल्ड ऑटोनॉमस कॉलेज रैंकिंग 2023-24 में छत्तीसगढ़ के कितने कॉलेज को टॉप 100 में जगह मिली है। तो यहाँ पर आंसर ए 2, आंसर बी 5, आंसर सी 6, आंसर डी 8। तो देखिए यहाँ पर जो एजुकेशन वर्ल्ड है ऑटोनॉमस कॉलेज रैंकिंग 2023-24 में छत्तीसगढ़ के कितने कॉलेज को मिला गया है टॉप 100, यानी कि टॉप 100 की जगह मिली है। तो आपका 6, कितने कॉलेज को मिला गया, 6 कॉलेज को यह मिला गया है। तो कितने लोगों का आंसर, देखिए 73% आंसर, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। हाँ, थैंक यू वेरी मच। चलिए शो कर देते हैं इसका आंसर सी होगा। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ में, देखिए जितवई में क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो 2023 के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और ऐसे टॉपिक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में 1 जून 2023 को एक दिन में कितने लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ ली है, एक दिन में पूछा गया है, ठीक है। 1 जून 2023 को, है ना, 1 जून 2023 को एक दिन में कितने लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ लिए हैं, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख। तो क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करके स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पर कमेंट ना कीजिएगा, मैसेज नहीं करना है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, वरना आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 3 लाख रुपए दे रहे हैं और 5 लाख रुपए, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है 5 लाख वालों को, जिसका आंसर सी आया है बिल्कुल सही है। ये छत्तीसगढ़ में 1 जून 2023 को एक दिन में कितने लोग पर्यावरण संरक्षण के शपथ लिए हैं, 5 लाख। चल देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इसका टॉपिक है आपका छत्तीसगढ़ की किस गायिका को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा या फिर
आप सभी को मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऊपर से मैसेज ना करें तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं बार बार कह रहा हूँ, अंतिम चेतावनी है आप सभी को, यहाँ पर क्लास कर रहे हैं तो उसको डिस्टर्ब ना करें। छत्तीसगढ़ की किस गायिका को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आरू साहू, मोहिनी वर्मा, ललिता खारपड़े या श्रीमती उषा बारले जी? तो देखिए एग्ज़ाम में बार बार पूछता है जो पुरस्कार वगैरह से, अलंकरण वगैरह से, तो ये एग्ज़ाम में टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो गायिका है हमारे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, आपका उषा बारले जी को मिला है, ठीक है? किसको मिला है? उषा बारले जी को मिला है, ठीक है? चलिए हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ धान की खरीदी में 15 कुंटल से बढ़ाकर कितने कुंटल किए जाए हैं? आपका 2023 के एग्ज़ाम, आपका लेबर इंस्पेक्टर प्यून में भी पूछा गया था, तो एक बार अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा या फिर अच्छे तरीके से वीडियो को दोबारा आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़, है ना, प्रति एकड़ धान की जो खरीदी है 15 कुंटल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 18 कुंटल, 20 कुंटल, 22 कुंटल, 25 कुंटल, सभी लोगों का आंसर यहां पर आना चाहिए, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ में जो समर्थन मूल्य आपका प्रति एकड़ है ना, जो प्रति एकड़ दिया गया, आपका धान 15 पहले लेता था, अब उसको 5 बढ़ा दिया गया, कितना आ जाएगा? 15 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 कुंटल। तो कितना हो गया है आपका? 20 कुंटल। इसका आंसर बी होगा। कौन सा होगा? पाँचवा का आंसर बी होगा। ओके, चलिए, छत्तीसगढ़ में G20 की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो छत्तीसगढ़ में कहाँ आयोजित की जाएगी G20 की बैठक? कोरिया, रायपुर, बिलासपुर, बलरामपुर। तो छठवां का आंसर आपका हो जाएगा बी, रायपुर, ठीक है? क्या होगा आपका? रायपुर में छत्तीसगढ़ में G20 की बैठक का आयोजन किया जाएगा। उसी प्रकार सातवां प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ की दिव्यांगता जनगणना करने वाला देश का कौन सा क्रम राज्य बन गया है? मतलब कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ में जो दिव्यांगता है ना, तो जनगणना करने वाला देश का कौन सा राज्य क्रम बन गया है? तो आंसर ए पहला, आंसर बी तीसरा, आंसर सी दूसरा, आंसर डी चौथा। तो देखिए जो छत्तीसगढ़ में आपका पूछा गया है, तो सातवां का आंसर ए होगा, पहला, क्या आएगा? फर्स्ट, जो कि आपका पहला जो है दिव्यांगता जनगणना के आधार पर 2023 में, है ना, तो देश का कौन सा राज्य है? पहला राज्य। हाल ही में यहाँ पर देखिए चंद्रयान 3 के बारे में आप सभी को मालूम होगा, चंद्रयान 3 के जो लॉन्चिंग के मैंने, तो सफलतापूर्वक यहाँ पर चांद पर पहला सफल हुआ है, वो भी छत्तीसगढ़। हमारा देश जो है भारत, छत्तीसगढ़ चांद में पहुँच चुका है, चंद्रयान 3 का लैंडिंग हो चुका है सफलतापूर्वक, ठीक है? अब देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में कब बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की गई? एग्ज़ाम में पूछता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना कि मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल ने कौन सी घोषणा की है जो कि छत्तीसगढ़ में कब से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की गई है? 1 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2022, 1 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023। तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप था उसमें बार बार मैसेज आ रहा था, तो वो मैसेज नहीं आएगा, उसको मैं ऑफ कर दिया हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, बार बार परेशानी झेलनी पड़ रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार यहाँ से, हाँ, टेलीग्राम से बार बार यहाँ पर मैसेज आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कौन सी योजना, मतलब बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की गई है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होगा। आठवां का, 1 अप्रैल 2023, क्या आएगा? 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा के अनुसार यह छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की गई है। कितना दिया जा रहा है? 2,500 रुपये दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 2,500 रुपये दिया जा रहा है, बिल्कुल, प्रति माह बेरोजगारी वाले भत्ते को, ठीक है? चलिए नवा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? ये एग्जाम में पूछ सकता है ना, हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है, किसको बनाया गया है? रविंद्र चौबे, भूपेश बघेल, TS सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू। तो नौवां का आंसर क्या आ जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए ना, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि 27 अगस्त को एग्ज़ाम है, मात्र कितने दिन बचा हुआ है? एक ही दिन बचा हुआ है, प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक? छत्तीसगढ़ के, बताइएगा छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? तो इसका आंसर आपका होगा सी, TS सिंहदेव। कौन है? TS सिंहदेव जी, ठीक है? चलिए दसवां प्रश्न है आपका,
छत्तीसगढ़ का पहला हमर लैब किस जिला चिकित्सालय में शुरू किया गया था? बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव। तो दसवां का आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला हमर लैब किस जिला चिकित्सालय में शुरू किया गया है? जल्दी से बताइएगा क्या आएगा। दसवां का बी रायपुर। कौन सा हो जाएगा? रायपुर। वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद हम पूरा थ्योरी क्लास के देखेंगे जिसमें बहुत सारी एग्जाम दीजिएगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर किन्हें नियुक्त किया है? मोहन मरकाम, मोहन मंडावी, टीएस सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री है ना, प्रथम उप मुख्यमंत्री के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया अभी हाल ही में, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब सी आंसर होगा इसका, टीएस सिंहदेव जी। चलिए देखते हैं सेकंड है आपका। हाल ही में छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों को कितनी दुर्लभ प्रजाति के पौधों का पहचान किया गया है जल्दी से बताइएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों द्वारा कितनी नई दुर्लभ प्रजाति पौधों का पहचान किया गया है? 7, 10, 11, 17। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 10 होगा, आंसर बी। देखिए यहाँ पर जो हाल ही में छत्तीसगढ़ में वैज्ञानिकों द्वारा कितनी नई दुर्लभ प्रजाति के पौधों का पहचान किया गया है, तो 10 दुर्लभ प्रजाति, कितने? 10 नई दुर्लभ प्रजाति के पौधों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस निगम आयोग संघ को पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 30 सेकंड का समय दिया गया है। छत्तीसगढ़ बीज निगम, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। तो देखिए छत्तीसगढ़ के किस निगम आयोग संघ को पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, इसका आंसर आपका डी होगा, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, या फिर हमारे चैनल को देख रहे हैं सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, रोका छेका अभियान 2023 किस तिथि में शुरू किया गया है? यहाँ पर मैसेज ना करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, टेलीग्राम में जो ग्रुप में जुड़े हैं बार बार यहाँ ग्रुप में मैसेज ना करें। हाँ कमेंट करके बताइएगा क्या होगा जल्दी से बताइएगा। रोका छेका अभियान 2023 किस तिथि में शुरू किया गया है? 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा। रोका छेका अभियान 2023 किस तिथि में शुरू किया गया है? बहुत हो गया यार, यहाँ पर ब्लॉक कर, जिसको देखो यहाँ पर खाली ऊपर से मैसेज करते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? ब्लॉकेड, डायरेक्ट अब ब्लॉक ही करूँगा, बहुत हो गया यहाँ पर। जब एक बार मना किया हूँ बार बार यहाँ से टेलीग्राम से मैसेज कर रहे हो भाई, समझ में नहीं आता बेवकूफ, इतने गधे हो क्या, पढ़े लिखे समझदार नहीं हो? जब यहाँ पर क्लास चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है गधा। क्या आएगा इसका आंसर? 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई या 8 जुलाई। तो रोका छेका अभियान 2023 किस तिथि शुरू किया गया है? तो रोका छेका जो अभियान है आपका, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बी 6 जुलाई, ठीक है। 6 जुलाई को रोका छेका अभियान 2023 शुरू किया गया है। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान पर है? तो गरीबी में, देखिए अब गरीबी में पूछा गया है, तो आपका आंसर होगा 3रा, 5वां, 7वां या 10वां। इसका आंसर सी लेंगे, 7वां। तो छत्तीसगढ़ जो कौन सा स्थान है आपका, 7वां स्थान है सूचकांक में, ठीक है। नेक्स्ट है, सुराजी गांव नामक छत्तीसगढ़ नाटक किताब के लेखक कौन है? अभी एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। संदीप साहू, प्रमोद बैस, दुर्गा प्रसाद पारकर, वीरेंद्र ध्रुव। तो इसका आंसर होगा, सुराजी गांव नामक छत्तीसगढ़ नाटक किताब के लेखक कौन हैं? तो इसके आपका होगा सी, दुर्गा प्रसाद पारकर। कौन होगा? दुर्गा प्रसाद पारकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छत्तीसगढ़ का नया ऊर्जा मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो किन्हें बनाया गया है जल्दी से बताइए, किन्हें बनाया है? 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। प्रेम साय सिंह टेकाम, ताम्रध्वज साहू, मोहन मरकाम, TS सिंहदेव। तो छत्तीसगढ़ का नया ऊर्जा मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर आपका होगा डी, TS सिंहदेव को। किसे बनाया गया है? TS सिंहदेव को बनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किन दो जिलों को 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान प्लेनिटम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? ये आपके PSC व्यापम और हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है 2023 में, तो एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के कितने जिलों, मात्र दो जिलों को 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान प्लेनिटम समिट के सम्मानित से किया गया है। बलरामपुर व सरगुजा, रायपुर व धमतरी, सरगुजा व बेमेतरा, कांकेर व बालोद। तो इसका आंसर सी होगा आपका, सरगुजा व बेमेतरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखेंगे। और जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में आकांक्षी जिला नारायणपुर का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है कमेंट करके बताएँ, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में आकांक्षी जिला नारायणपुर का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर आपका होगा बी, दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। इतना ही क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद कुछ पार्ट टू में हम थोड़ा देर में लाएंगे, जिसमें टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। अच्छे से पढ़ के जाइएगा, पार्ट टू का इंतज़ार करिएगा, ठीक है। तो इतना ही करंट अफेयर आज के लिए अभी बन रहा है, तो उसका PDF अब जारी नहीं किए हैं हम, इसका PDF नहीं बना पाए हैं, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो इन वीडियो का इंतज़ार करिएगा, है ना। और जो